नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टू बी विद अस दिस संडे. वी ट्रूली अप्रिशिएट इट. टू बिगिन द प्रोग्राम आई वुड फर्स्ट रिक्वेस्ट आवर गेस्ट विष्णु जी, हेमंत जी एंड रश्मि जी टू प्लीज कम एंड लाइट द लैम्प. आई वुड रिक्वेस्ट प्रियंका कोठारी एंड सुष्मिता जी ऑल्सो टू लाइट द लैम्प. Sas ladies and Sushmita ji to kindly escort our guest. Aiye Hemant ji. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to each one of you. So a very warm welcome to each one of you on behalf of Prabha Khaitan Foundation and Manthan. We are delighted to have amidst us Ms. Rashmi Ji Samant, Shri Vishnu Ji Shankar Jain and Shri Hemant Ji Lodha as our esteemed guests for this morning's session. Prabha Khaitan Foundation ek gair labhkari trust hai jiski sthapna 1980 ke dashak ki shuruaat mein swargiya Dr. Prabha Khaitan ne ki thi. Kolkata mein sthit foundation pradarshan sahitya kala sanskriti shiksha लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. किताब का लक्ष्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना है. लेखकों और साहित्य प्रेमियों को संवाद के माध्यम से सीधे जुड़ने का मंच प्रदान करते हैं. यह एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है, जैसा कि इसके कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों की सूची से स्पष्ट है, जिसमें प्रतिष्ठित नामों के साथ साथ युवा प्रतिभाएं भी शामिल हैं जो हिंदी भाषा को मजबूत करने में मदद कर रही है. मंथन. आधुनिक जीवन में भारतीय दर्शन एक बहुप्रतीक्षित प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर सकता है. भारतीय ज्ञान, अर्थव्यवस्था, मानवीय संबंध, कला, संस्कृति, आधुनिकता और नैतिकता जैसे विविध स्पेक्ट्रम को कवर करता है. मंथन में समुद्र मंथन की तरह भारतीय विरासत के विचारों के मंथन से युवाओं को वर्तमान समस्याओं और समाधान खोजने में मदद मिलती है. Discovering the self and making the world a happy place to live, as Swami Vivekananda said, be and make. I would now request Parveen to felicitate Miss Rashmi Ji Savant. We're doing the ladies first.
Priyanka, please first take Sri Vishnuji Jain. I request Satish Sardaji to please felicitate Sri Hemant Lodha. I now invite Sri Vishnuji to kindly take the mic and address the audience, which I think you all are very much agog to listen to him. Yeah? धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन, और यहाँ पे स्टेज पे बैठे जितने डिग्निट्रीज हैं, रश्मि जी, हेमंत जी, आपको मेरा प्रणाम, और आप लोग जितने लोग यहाँ पे आज आए हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोगों को बातचीत करने के लिए, मंथन करने के लिए, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत। और अपनी बात को जल्दी से शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले रश्मि जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये किताब लिखी है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर का जो पूरा दौर है ये एक ऐसी लड़ाई है जो इतिहास में सदियों के लिए दर्ज की जाएगी, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल है। उसका कारण ये है कि अगर आप जेरूशलेम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तीन जो मेजर रिलीजन्स हैं, अब्राहमिक रिलीजन्स, वो आज उस 35 एकड़ की ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस और जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं आज तक उस इशू को सॉल्व नहीं कर पाई हैं। पिछले 2000 सालों से वो मुद्दा चल रहा है, पर राम मंदिर के केस में हमारी इंडियन जुडिशरी ने एक मैसेज दिया कि 70 साल में ही सही ये सिविलाइजेशनल इश्यूज़ सॉल्व किए जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं, और एमिकेबली ये काम हो सकता है। जो तीन बड़े बड़े अब्राहमिक रिलीजन्स पूरे वर्ल्ड में नहीं कर पाए वो इंडियन जुडिशरी ने सॉल्व करके लोगों को 2019 में ये मैसेज दिया है कि इस तरह के सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट लीगल माध्यम से, डेमोक्रेटिक माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर मैं बेसिकली बोलना चाहूँ तो मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि मेरा जन्म उस दौर में हुआ था जब मैंने वो नारे गूंजते हुए सुने, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस नारे के दौर में जब आप पैदा होते हैं तो आप जब उस स्ट्रगल को देखते हैं, जब मैंने अपने पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब को वो पूरी लड़ाई को लड़ते हुए देखा, उसको जीते हुए देखा, और मैं आपको बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बाद में आगे आने वाले समय में बहुत लोग इस आंदोलन से जुड़े, पर 1989 के दशक में जब ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफ़र हुआ था तो राम मंदिर का वकील बनना कोई अलंकार नहीं था, एक श्राप था कि अगर आप भगवान राम के वकील हैं तो ये आपके लिए श्राप है। आप इस समाज से, इस लीगल सिस्टम से एक कम्युनल वकील के रूप में आपकी पहचान होगी, और जितने आपके प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो एक वकील जो भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग, और मैं हाईकोर्ट की सीट में बैठा हूँ, तो जितने लोग वकालत के क्षेत्र में आते हैं उनको लगता है कि वकील बनेंगे, उसके बाद हर आदमी कहता है कि आप जज बनेंगे, कोई कहता है कि आप एडवोकेट जनरल बनेंगे, कोई कहता है आप सरकारी वकील बनेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी की कभी भी कुछ बनने की इच्छा नहीं थी, पर राम मंदिर का केस एक ऐसा केस है कि उसमें उस दशक में जितने लोग जुड़े उनके लिए वो हमेशा एक डिमोशन का उस तरह से उनको सज़ा दी गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरी स्ट्रगल रही तो इसमें दोनों समुदायों का केस क्या था। आज तक तो हम लोग राम मंदिर पे काफ़ी बातें करते हैं, डेफिनेटली एक सिविलाइजेशनल इशू है जहाँ पे दो समुदायों ने एक 1500 स्क्वायर यार्ड लैंड के लिए कंटेस्ट किया, और बड़ा हेविली कंटेस्ट किया, पर ये केस क्या था।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 1 SCC पेज 1 जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 नवंबर का, उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों समुदायों का ये केस था कि 1528 में यहाँ पे बाबर ने मस्जिद बनाई, हिंदू समाज का भी यही केस था और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का भी यही केस था कि यहाँ पे 1528 में मस्जिद बनाई। अब जब 1528 में मस्जिद बनाई तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे कौन से प्रमाण थे जिसकी वजह से ये जजमेंट हमारी तरफ टिल्ट किया, और जो आप एक पॉपुलर परसेप्शन सुनते आ रहे हैं मीडिया में कि क्या ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ आस्था के आधार पर था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज बहुत ही शॉर्ट समय में कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट हिंदू समाज की आस्था के आधार पर नहीं था, ये स्ट्रॉन्ग क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पर ये जजमेंट हमारे पक्ष में दिया गया है। और वो एविडेंस क्या थी मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको राम मंदिर के इतिहास को समझना है तो आपको बाबरनामा पढ़ना पड़ेगा, और ये एक ऐसा विचित्र केस था जिसमें हिंदू समाज के लोगों ने हदीस और कुरान और बाबरनामा और सारे मुस्लिम जितने शास्त्र हैं और ट्रैवल अकाउंट से वो पढ़े, और ऑन द अदर साइड मुस्लिम समाज के लोगों ने जितने हिंदू ग्रंथ हैं उसको पढ़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कंट्रडिक्ट करना चाहते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ तो बाबरनामा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है वो है बाबर आया था 1528 में अयोध्या की तरफ, 1510 में, उससे ठीक 18 साल पहले सिख इतिहास में माननीय गुरु नानक देव जी ने सरयू में स्नान करके राम मंदिर के दर्शन किए। तो बाबर के आने से पहले वहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट कर रहा था, उसका ठीक इतिहास 18 साल पहले गुरु नानक देव के दर्शन का सिख इतिहास में मिलता है। साथ ही साथ 1528 के बाद 1592 में जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो है आईने अकबरी, जो अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, रामनवमी के दिन पूजा पाठ करते हैं और राम कोर्ट की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद ट्राइफेन थेलर आए, मॉन्ट गोमरो मार्टिन आए, और बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, बुकनन आए, सारे ट्रैवलर्स ने लिखा है, कार्नेगी आए, इन सारे लोगों ने लिखा है कि हिंदू समाज के लोग बराबर यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आए। मेरी इस बात को ज़रा अप्रिशिएट करिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में मेरे जो सीनियर हैं माननीय पराशरन साहब और हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने एक सबसे क्लिंचिंग फैक्ट रखा जिसकी वजह से जजमेंट हिंदू समाज की तरफ टिल्ट किया। उसका ये कारण था कि 1528 से लेके 1855 तक ये जो 325 साल का इतिहास है, इसमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है नमाज पढ़ने का। दिस वॉज द क्लिंचिंग पॉइंट, ये 325 साल में देर इज नो प्रूफ। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मानी है कि हमारे पास इस 325 साल का कोई इतिहास नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ये बताने का कि हम यहां पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरी जो लड़ाई है, ये जो पूरी लड़ाई है उसकी जड़ जो है वो ब्रिटिश सरकार के दौरान उसकी जड़ उसकी नींव डाली गई, जब 1857 में वहाँ पे रेलिंग डाल दी गई और हिंदू समाज के लोगों को इनर कोर्टयार्ड से बाहर फेंक दिया गया, और मुस्लिम समाज के लोगों को इनर कोर्टयार्ड में जो 3 गुंबद है उसके नीचे कहा नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए, और हमें बाहर चबूतरे पे फेंक दिया। वहाँ से इस लड़ाई की जड़ शुरू होती है। और उस समय फिर महंत रघुवरदास ने कोर्ट में केस फाइल किया 1885-1886 में, कोर्ट ने डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि यहाँ पे बाबर ने मंदिर तोड़ी, पर इस समय हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम उस ऐतिहासिक गलती को रेक्टिफाई करें। और राम मंदिर का जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही यक्ष प्रश्न था कि क्या जो बाबर ने इतिहास में अपनी तलवार के दम पे किया है, क्या आज इस देश की कोर्ट उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई कर सकती है। और हम लोगों ने यही बात कही कि ये पूरी लड़ाई जो है यही मैसेज है कि तलवार की ताकत से बड़ी कलम की ताकत होती है, पेन इज माइटर देन द सोर्ड, और जो बाबर ने किया है आज इस देश में, इस देश की जुडिशरी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज कर रही है, वो उसको कलम के माध्यम से रेक्टिफाई करे। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेक्टिफाई किया, और उस रेक्टिफिकेशन में अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एडेंडा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस आधार पे ये फैसला दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई पोजिशन नहीं था, और रेलिंग लगा के जो हमें बाहर फेंका गया वो एक इलीगल काम था,
जिसको जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट हमारे सामने दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे पास समय की कमी है, मेरे 10 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, 11 मिनट हो चुके हैं। मैं इतने बस बात कहना चाहता हूँ कि 20 पीढ़ियाँ निकल गई, 20 जनरेशन निकल गई। मैं और हम जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हैं, हम लोगों ने अपने ईश्वर, अपने आराध्य को उस कलंकित ढांचे में भी देखा है, उस कलंकित ढांचे में बाहर चबूतरे पे भी पूजा की है, हम लोगों ने अपने ईश्वर, अपने आराध्य को टेंट में, तंबू में भी देखा है। और आज 22 जनवरी का वो शुभ दिन आने वाला है जब हम लोग अपने अपने ईश्वर और अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर और अपने आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये सारे सारे करोड़ों सनातनियों की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन होने जा रही है। और ये जो मंदिर है, ये हम सारे लोगों के लिए आध्यात्मिक चिंतन का, आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बनने वाला है। भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं, संवैधानिक एंटिटी हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे उनका चित्र विराजमान है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में उनका चित्र विराजमान है। और ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में 1 दिसंबर 1993 में कही है। तो मुझे लगता है हम सारे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज वो स्वर्णिम दिन देखने वाले हैं। और मैं फिर से रश्मि जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जस्टिस किया है और ये जो पूरी सिविलाइजेशनल स्ट्रगल रही उसको जस्टिफाई करते हुए किताब लिखी है। नमस्कार। सो वी वॉन्ट टू गेट द मोमेंटम गोइंग विद विष्णु जी स्पीच। इनके बारे में आपको मैं क्या क्या बताऊं, इतना कुछ है, जितना बोलूं उतना भी कम है। जैसे उन्होंने बताया अभी, इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। ही इज अ सेकेंड जनरेशन लॉयर। आपके पिताजी श्री हरिजी शंकर जैन ने हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया है। श्री विष्णु जी इज अ वेरी वेल नोन लॉयर हु इज मेनली नोन टू अस एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। ही हैज फॉट इन्यूमरेबल लैंडमार्क केसेस पर्टेनिंग टू सिविलाइजेशन इश्यूज and is popular for fighting the cases of Kashi, Mathura and Ayodhya. And he is a powerful and a huge internet celebrity. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Shri Vishnu ji. A pretty Rashmi Samant is a young leader who scripted history as the first female Indian president of the University of Oxford Students Union. She's a renowned national TV panelist, occasional columnist, author, and vocal advocate for the human rights of marginalized Hindus. Her impactful work involves collaborations with media, think tanks, governments, and her non-profit foundation, Atma. Samant's notable contributions include presenting a comprehensive human rights report on majority written violence in the British Parliament's House of Commons. Her debut book, A Hindu in Oxford, remarkably achieved the bestseller status within a mere 12 hours of its announcement. Currently, she serves as the executive director of the Punarva Group and published her second book, Ram Janmabhoomi, The Inspiration for Hindu Resurgence. A big applause for her. Mr. Hemanji Lodha, a chartered accountant by profession, he is an avid reader whose literary interests include philosophy, spirituality, and relationships, leadership and management skills. Born in Jodhpur to a respected family, Hemanji has been all over the world, and luckily for us, he has settled in Nagpur in 2002. Hemanji is a business leader, a blogger, a poet, author, social entrepreneur, much loved and admired. I would now request the Ehsas ladies and Sarda ji to please come on the stage so we can launch Rashmi ji's book.
thank you everybody. Ladies and gentlemen, I am now absolutely delighted to invite Hemantji for beginning this much awaited and looked forward conversation. So I hand over to you. Are your mics ready, sir? Yeah. Thank you. Thank you, Monica. Thank you, sir, for your very powerful speech. सबसे पहले मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन, मंथन एंड एहसास वुमेन ऑफ नागपुर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर प्रदान किया. जब उन्होंने पहली बार मेरे को ये बताया तो मैंने ये सोचा कि मुझे क्यों इसका दायित्व दिया है. तब समझ में आया कि आज दो फायर ब्रांड पर्सनैलिटीज़ आज हमारे बीच में हैं और उन्हें शायद एक फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शेर है, दूसरा शेरनी है और मैं बलि का बकरा हूँ. सो विद दैट नोट, एक्चुअली रश्मि जी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट चिटनवी सेंटर में 2023 के अंदर इनकी फर्स्ट बुक लॉन्च हुई थी और बुक का नाम था हिंदू इन ऑक्सफोर्ड एंड आई वॉज प्रेजेंट देयर एंड कोइंसिडेंटली सतीश जी इन्वाइटेड मी ऑन द स्टेज टू अनवील द बुक एंड एक्चुअली आई फॉरगॉट माय से बॉस आनंद संचेती सर, ही सिटिंग हियर, ही सेंड मी द पिक्चर इन द मॉर्निंग एंड देन आई रिकॉल, या आई वॉज देयर एट दैट टाइम. ओके, सो थैंक यू फॉर दैट टू. टुडे we will focus more on Ram Janmabhoomi, the inspiration for Hindu resurgence, the book written by Rashmi ji. She is as you all know, she is a very prolific author, writer and a very good storyteller, because I witnessed the same. Before going ahead with the Rashmi ji, means I will ask Rashmi ji to give us some brief about the book. एक जो आज हम राम जन्मभूमि की जो बात कर रहे हैं वो है अयोध्या. और आई डोंट नो आपको कितने लोगों को ये मालूम है कि अयोध्या दो शब्द से बना है, अ और युद्ध, मतलब जिसके साथ में कोई युद्ध नहीं कर सकता, जिसे कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, वो अयोध्या है. तो आज उस जो अयोध्या भूमि है, राम जन्मभूमि है, उसके बारे में हम बात करेंगे. और रश्मि जी की यह पुस्तक राम जन्मभूमि द इंस्पायरेशन फॉर हिंदू रिसर्जेंस. तो रश्मि जी, मैं चाहूँगा कि ब्रीफ में आप कि ये पुस्तक लिखने की इंस्पायरेशन कहाँ से आई, आपने इसमें क्या क्या कवर किया, थोड़ा अगर ऑडियंस को बताएंगे तो विल बी ग्रेट. तो सबसे पहले नमस्ते और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं. आप रविवार के दिन, मकर संक्रांति के दिन आए यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. फिलहाल विष्णु जी अभी मथुरा का केस लड़ रहे हैं और उसके डेट्स कभी भी लग सकते हैं, तो हमें आज ही का दिन रखना था, संडे को रखना था. तो मैं आपके आभारी हूँ कि आप आए संडे. मेरे हिसाब से लड़ाई तो लड़ ली एंड वी हैव गॉट टॉल ल्यूमिनरीज लाइक विष्णु जी, इनके पिताजी, हु फॉट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ लाइट. अंधेरे में इन्होंने लड़ाई लड़ी है. अक्सर जब हम कुछ करते हैं तो देयर इज सम इंसेंटिव ना, कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो अच्छा होगा. वी नेवर डू थिंग्स जिससे हमारा खुद का नुकसान होगा सोसाइटी में, फॉर द लार्जर गुड, फॉर द ग्रेटर गुड, दैट नेवर हैपन्स. But the Ram Janmabhoomi movement is one such movement in which every person involved staked everything, including their life. Even, I think, as an advocate, Vishnuji's father had an active threat to life, and many people attempted also to take their lives. And I think Vishnuji might have been young by then, and phir bhi they fought that. They fought that battle. The Karsevaks, who were in Ayodhya, they were shot at point blank range
एंड उनके जो शव थे ना उसे पत्थर से बांध के उन्होंने सरयू में फेंका ताकि उनके शव ऊपर ना आए और उनको उनकी मतलब अंतिम जो संस्कार है वो ना कर पाए। अरे हम तो इस जमाने में जीते हैं जब ये जो कन्विक्ट्स होते हैं ना जिनको मिल जाती है कैपिटल पनिशमेंट उनको भी हम बाइज्जत ये करते हैं, उनकी भी क्रीमेशन एक रिस्पेक्टफुली करते हैं। लास्ट राइट्स हम किसी को भी वी डोंट डिनाई एनीबडी ऑफ देयर लास्ट राइट्स एंड दीस पीपल वर डिनाइड ऑफ दोज लास्ट राइट्स फिर भी लोग गए एंड अक्सर इस पूरे मूवमेंट को बहुत बदनाम किया गया है। बोला जाता है कि ये आक्रोश है, एक तरह से वायलेंस है एंड दैट वी शुडंट टॉक अबाउट इट एंड दैट वी शुड कंडेमन इट। एंड दुनिया भर में आई हैव स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड एंड यू नो आई हैव ट्रैवल्ड टू ओवर 20 कंट्रीज हम बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में सुनते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना, सो मेनी डिफरेंट मूवमेंट्स एंड दे आर ऑल ग्लोरिफाइड एज इफ दे ब्रॉट ऑन द न्यू एज। पर आप अगर इस कहानी के पीछे देखोगे, हर मूवमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि हर मूवमेंट में अंततः जो फुट सोल्जर्स थे उस मूवमेंट के दे ऑलवेज गॉट कैरिड अवे एंड देयर वाज कार्नेज एवरीवेयर। बट वो जस्टिफाई करते थे कि द मींस जस्टिफाई द एंड, ऐसे करके इसे जस्टिफाई करते थे। अयोध्या में कार सेवा के समय पर मोर देन 70 मॉस्क्स existed in Ayodhya and not one has a scratch on it. Not one has a scratch on it. So it clearly shows that this is a very unique movement which should be studied and not vilified. But we are doing the exact opposite. यहाँ एक movement है जिससे हमें सीख लेना चाहिए कि कैसे अपनी clarity of thought रखते हो आप and आप अंततः you don't get carried away by that thought of violence and carnage. Ki dharm sansthapana ke liye jitni zarurat hai that you have to stop when justice is delivered and that you shouldn't get carried away by that sense, which is an example everywhere. But we do the exact opposite. To maine ek jagah padha tha ki jab tak sher apni kahani khud nahi likhega to har kahani shikari ko hi glorify karega. तो मुझे इस अंधकार में जीना नहीं पड़ा, आई डोंट हैव टू यू नो स्ट्रगल। बट देर इज अ वेरी यूनिक थिंग, किसी को पता नहीं है ये बात, या मैंने पुस्तक में भी नहीं लिखा है ये बात, मैं एक कार सेवक की बेटी हूँ। ये पहली बार मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे बात कर रही हूँ इसके बारे में। मैं एक कार सेवक की बेटी हूँ और मेरे पिताजी गए थे, वो मेरे एज के थे, वो 24-25 साल के थे तब, मैं 25 साल की हूँ। वो गए थे अयोध्या 92 में और वो एक पहली ऐसी टुकड़ी थी। जब वो गए थे तो वहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ऐसा था कि कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है और मतलब लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने हज़ारों लोगों की व्यवस्था कराई है वहाँ पर। और वो ऐसा दौरा था जब पता नहीं था कि वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो वैसा वाला एक दौरा था। एंड ही वाज देयर फॉर 42 डेज। जब मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, तो मुझे भी लगता था कि आप कौन से मूवमेंट में गए थे पापा, दिस इज नॉट फेयर, व्हाट आर यू अ पार्ट ऑफ, यू आर अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ अ वायलेंट मूवमेंट, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसे लिखा गया है ना, आवर हिस्ट्री बुक्स टेल अस अ वेरी बायस्ड स्टोरी, दे ग्लोरीफाई ऑल दीस you know revolutions which brought carnage and no good end of the day, but we don't talk about movements which really had some meaning out there. So we vilify the very people jo pite bhi hain aur badnaam bhi hain. To ye thi baat. And then you know I had my own realization, jo buddhi se nahi seekhta use matlab dhakke kha ke seekh leta hai. So end of the day, even I realized what it was all about. अगर आप इस्तांबुल जाओगे तो वहाँ पर सबसे सुंदर जो मॉस्क है हेजिया सोफिया है, तो आप जाओगे हेजिया सोफिया। आप अगर हेजिया सोफिया जाओगे तो उसके बेसमेंट में जाना, आपको बेसमेंट में एक मंदिर की जो नींव है ना वो दिखाई देगी। इट यूज टू बी द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। एंड आज ग्रीक सिविलाइजेशन के फॉलोअर्स बचे नहीं हैं,
There are no people who worship Artemis, the goddess. Nobody worships her anymore. An attack on a temple is an attack on the roots of a civilization. It is said कि अगर आप एक बड़े बरगद के पेड़ को मारना चाहते हो तो आपको पूरी सेना की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक मुट्ठी भर जो शक्कर है, मुट्ठी भर शक्कर लेके जाओ, one you know handful of sugar, and you go put it on the roots of the tree. उसे जाके छिड़काइए उसके उस पेड़ के जड़ों पे, तो कीड़े मकोड़े आके उन जड़ों को खा जाएगी और वो पेड़ अपने आप मर जाएगा. So there's a huge question always. Oh, you Hindus, you say that you're children of the greatest civilization of earth. What damage does it do to you if you've lost one of your temples? To begin with, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3,000 नहीं, 3,00,000 नहीं, अनगिनत जो मंदिरें हैं वो बिखरे हैं इस पूरे कार्नेज में. But they signify the root of our civilization. तो जब जब हमला होता है एक मंदिर पर, तब तब हमारी जो सिविलाइजेशन है, दैट ब्रेक्स अवे, दैट ब्रेक्स अ पार्ट, एंड देर इज नो वे दैट एन एंटायर ट्री कैन सर्वाइव विदाउट इट्स रूट्स. सो इट्स एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर ऑन द रूट्स. आप दुनिया भर में देख सकते हैं, यू नो, इतनी ज़मीन थी जब बाबर और औरंगजेब आए थे, तब तो इतना पॉपुलेशन भी नहीं था भारत में, तो ज़मीन की कमी नहीं थी, कि ज़मीन नहीं था भाई, मस्जिद बनाए कहाँ पे, तो हमने एक मंदिर एक आध तोड़ दिए, ऐसा भी नहीं था. रिप्लेसिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज एन एक्टिव एक्ट ऑफ पोलिटिकल डोमिनेंस. पोलैंड की जो टुकड़ी है, टुडे द लैंड विच इज़ नोन एज पोलैंड, इट्स ऑलवेज बिन यू नो हिस्टोरिकली ऑक्यूपाइड बाय वन साइड अदर साइड वन साइड अदर साइड. जब रशियंस ऑक्यूपाइड पोलैंड, उन्होंने जो सारे वहाँ के चर्च थे उनको उन्हें गिरा दिया और उन चर्चेस की जगह पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्चेस बनाए. एंड व्हेन द कैथलिक्स टुक ओवर अगेन, दे ब्रोक डाउन द सेम चर्चेस एंड मेड रोमन कैथलिक चर्चेस देयर. वही जीसस, वही धर्म, दो अलग क्या कहते हैं उनके पार्ट्स, टू अदर फिलोसफीज, मे बी टू अदर सेक्ट्स विद इन द सेम रिलीजन. बट इवन देन, तीन बार एक ही जगह उन्होंने चर्च गिराए और वापस चर्च बनाए. तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेंस टू शो दैट देर इज डोमिनेंस एंड टू शो दैट ओके दिस इज नॉट हाउ इट इज. तो जो रिक्लेमेशन की बात होती है, दे से दैट इट्स अ राइट विंग कॉन्सेप्ट. नो, इट्स अ लेफ्ट विंग कॉन्सेप्ट. इट्स एज लिबरल एज इट कैन बी, बिकॉज इट्स द लिबरेशन ऑफ द इंडिजिनस पीपल एंड ऑफ द रिजेक्शन ऑफ अ फॉरन कॉन्सेप्ट दैट सीक्स टू डिस्ट्रॉय द इंडिजिनस कल्चर, द वेरी इंडिजिनस कल्चर विच अलाउज फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कल्चर्स इंक्लूडिंग फॉरन कल्चर्स. So I think there is a necessity for a realization of this. And ये जो विमर्श है, नैरेटिव है, ये सतत है, ये कंटिन्यूस है. विष्णु जी अगर एक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने साबित भी कर दिया, तब भी कल को लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है. कह ही रहे हैं अभी भी. जबकि दीज पीपल हैव हैड टू ट्राई ट्वाइस एज हार्ड टू बी हाफ एज गुड. They've had to give twice as many evidences than standard practice to be even considered legitimate. तो इनकी जो ये रही है ना, संघर्ष रहा है ना, वो दुगनी नहीं, मतलब इन्होंने तो मतलब आई थिंक इट्स 100 टाइम्स मोर. आई थिंक इट्स समथिंग वी कांट इमेजिन इवन. एंड देव हैड टू ट्राई ट्वाइस एज हार्ड टू बी हाफ एज गुड. एंड फाइनली वन देर इज विंडिकेशन, the stories continue. So that's the only reason I think I wrote this book. Thank you. Going next thing, actually if we see the entire history of Bhagwan Ram, we go through the yugas like Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug and Kali Yug, and Sri Ram came in a Treta Yug.
बट इट हैपन्स दो राम इज इन अवर जन जन के मन में है, मानस पटल पे है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि कभी यादें कम हो जाती है या तो सबसे पहले जो एक राम के बाद में राम जी का जो वर्णन आता है वो भगवद गीता के श्लोक 31 अध्याय 10 में आता है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, और फिर अर्जुन जो अपने रथ पे खड़े होते हैं तो वो उनकी पताका हनुमान की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तब राम फिर हमारे दिलों में जिंदा हो गए। उसके बाद में रामानंद सागर जी ने जब रामायण निकाली तो हमने एक रामायण को नई तरीके से देखा, और उसके बाद में अब ये राम जन्म भूमि का जो मोमेंट आया है, एंड यू हैव यूज द वर्ड हिंदू रिसर्जेंस। ओके, सो क्या आपको लगता है कि हिंदू सोया हुआ था या हिंदुइज्म सोया था और जिसको जगाया जा रहा है? क्या मतलब, ब्रीफ में थोड़ा बता दी। ये सोने की बात नहीं है। मतलब व्हाई यू यूज द वर्ड रिसर्जेंस? पिटा हुआ था, बहुत पिटा हुआ था। पिटा हुआ था। उनकी बहुत पिटाई हुई है, 10वीं शताब्दी से इतनी पिटे हैं वो। हाँ। और इतनी हत्याएं हुई हैं। पिटना इज आई थिंक इट्स अ वेरी शैलो वर्ड। सो मेनी जेनोसाइड्स। तो जब 1893 आई थिंक व्हेन स्वामी विवेकानंद मेड द स्पीच इन शिकागो, इट वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट मोमेंट्स जब गर्व महसूस करने लगे हिंदू की, हाँ हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एंड राम जन्मभूमि मूवमेंट जो 500 साल पुरानी है, वैसे इट्स बिन 77 बैटल्स, जब वो फाइनली ख़त्म हुआ तो आई थिंक एक असर्टिव हिंदू का एरा शुरू हुआ। उससे पहले तो हम 10वीं शताब्दी के बाद जो हमारा हाल हुआ है, तो आई थिंक हिंदू महान था, फिर हिंदू की बहुत मतलब बहुत बुरी हाल, बहुत दुर्दशा थी, अब हिंदू रीअसर्ट कर रहा है, सो इट्स रीसर्जेंस। एक रामचरितमानस में चौपाई है आपके लिए, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई दरे सज निज निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सबई बनाए मंगल हेतु। तो ये जो अभी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और जब आपने केस लिया था तब शायद आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इतना बड़ा प्रसाद आपको मिलेगा कि न मतलब ओनली अयोध्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान या पूरा हिंदू समाज जो विश्व में है वो इसे एक दिवाली की तरह मनाएगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए 22 जनवरी का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि 20 पीढ़ियाँ गुजर गई और 20 पीढ़ियों में उन्होंने से बलिदान दिया है, ये हमारी ऐसी जनरेशन है जो ये स्वर्णिम अवसर देखने जा रही है। तो वहाँ पे सिर्फ उस दिन प्रभु राम की प्रतिष्ठा नहीं होने वाली है, धर्म की संस्थापना होने जा रही है, धर्म की संस्थापना होने जा रही है। राइट। और जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ये मानते हैं कि आवाहन किया जाता है कि प्रभु राम जो हैं उनका अंश आके इस मूर्ति में विराजमान हो। तभी भी हिंदू शास्त्र में मंदिर तोड़ने से ईश्वर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, अगर कोई मंदिर तोड़ भी देता है तो ईश्वर और आराध्य वहां पे अप्रत्यक्ष रूप में बराबर विराजमान रहते हैं, क्योंकि तो उनका तो आवाहन हो चुका है, आवाहन होके वो वहां पे विराजमान हो गए हैं। तो मुझे लगता है 22 जनवरी का जो दिन है वो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, और वो एक ऐसा, मैं तो एक, आपने जो सवाल पूछा था इससे पहले रश्मि से, और मैं इस दोनों सवाल को जोड़ के जवाब देना चाहता हूँ, ये दिन देखना क्यों पड़ा और इतनी लीगल लड़ाई लड़ी चली क्यों, आपको पता है उसका कारण क्या है? बाबर जब हिंदुस्तान पे आक्रमण से पहले बाबर हिंदुस्तान आया था भ्रमण करने के लिए, जैसे रेखी की जाती किसी जगह, तो उसने देखा, जो बाबरनामा में लिखा है मैं एग्जैक्ट आपको वही बता रहा हूँ, उसने देखा कि यहाँ पे एक आदमी का खेत जो है, एक जो पशु पक्षी है और बैल और भेड़ है वो उसको खराब कर रहे हैं, और दूसरा आदमी बगल में बैठ के हंस रहा है। उसने कहा एग्जैक्टली ये देश है, ये कंट्री है जिसको मैं फतेह कर सकता हूँ, यहाँ पे लोग आपस में बटे हुए हैं,
यही कारण है कि रानी पद्मनी का जौहर हुआ था। और सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, बराबर हम पे आक्रमण होता रहा, एक राजा ने दूसरे राजा का साथ नहीं दिया, हम ही लोगों ने आज उनकी स्थापना की। और ये एक ऐसा दौर है जब आज सारे सनातनी यूनाइटेड हुए हैं, तब जाके राम मंदिर का 22 जनवरी का दिन। राइट। तो मेरा दूसरा प्रश्न भी एक और आपसे है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेसेज ऑफ वॉरशिप स्पेशल प्रोविजन्स ऑफ 1991 एंड रिसेंट रीजनिंग ऑफ अलाहाबाद हाई कोर्ट, वॉट कैन बी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड हाउ यू सी द केस ऑफ ज्ञानवापी मथुरा एंड इन लाइट ऑफ राम जन्मभूमि। तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक में पूछी, तो मैं उसको थोड़ा जवाब देता हूँ संक्षिप्त में। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा हमारे ऑडियंस। देखिए, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में लाई थी, और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाने का पर्पस ये था उस समय कि राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे था, और कुछ पॉलिटिकल मास्टर्स ने डिसाइड कर लिया आप इस एट्रोसिटी की हद को देखिएगा। पॉलिटिकल मास्टर्स ने क्या डिसाइड किया एक सिविलाइजेशन के लिए कि ठीक है, राम मंदिर का तुम्हें केस लड़ने की इजाजत देते हैं। 1991 के एक्ट में सेक्शन 5 में राम मंदिर का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? राम मंदिर दिया नहीं, जो केस आपने गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में फाइल किया था, और जो देवकीनंदन अग्रवाल ने सूट नंबर 5 1989 में फाइल किया था, ये सारे मुकदमे चलेंगे, ये केस आप कोर्ट में लड़िए और जीत जाइए, तो इसकी आपको इजाजत देते हैं, पर बाकी जगहों के लिए आवाज भी मत उठाना। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि जो बाकी जगह है उसके लिए केस तो भूल जाइए, आवाज भी मत उठाइए, कोर्ट भी मत आइए। तो जो लोग कहते हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी कि बाबा साहब अंबेडकर से जब पूछा गया था कि इस देश का आप क्या मानते हैं, इस पूरे संविधान की आत्मा क्या है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है, और उस आत्मा को खींचने का काम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 ने किया। तो जब ज्ञानव्यापी का केस फाइल हुआ, मथुरा का केस फाइल हुआ, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन जो मस्जिद कमेटीज है उनकी तरफ से आया एज फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस। और क्या आर्ग्यूमेंट है? वो केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं केस लड़िए ही मत, हम यहाँ पे काबिज है, आप ये आवाज ही नहीं उठा सकते हैं, यहाँ पे तो इस डोमिनेशन की बात चल रही है। तो हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो एक हमेशा बात कही जाती है कि वकील को आप कोई काम देंगे तो वकील तो मरी हुई चीज़ को भी जिंदा कर सकता है, तो इस पूरी समाज को जो हमारे ऊपर एक दंश डाला था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने, मैं आपको ये बहुत गौरव से बताना चाहता हूँ, अपने लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हम वर्चुअली रिडंडेंट कर चुके हैं। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये बनारस की सिविल कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को होल्ड किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन तरह के मुकदमों को नहीं रोकता है, धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को यही बात होल्ड की है, और अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट का दूसरा फैसला आया ज्ञानव्यापी के केस में, जिसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही होल्ड किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। अब अगर होगा क्या? अगर धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी रहे तो मैं कहूंगा कि ये जगह ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर है, वो कहेंगे नहीं मस्जिद परिसर है, तो फिर क्या होगा? तब ये डिसाइड किया जाएगा इस प्रायर इन टाइम कौन था, पहले से कौन विराजमान था, और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए सिविल ट्रायल होगा, एविडेंस लीड की जाएगी, ASI इन्वॉल्व होगी, और उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। इसलिए धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। ये बात जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हियरिंग में कमेंट किया है कि धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। मतलब अगर किसी जगह मैं मंदिर परिसर में घुस के नमाज पढ़ लूं तो क्या मंदिर परिसर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता है। उसी तरह से आप किसी अगर मस्जिद परिसर में घुस के मूर्ति रख दें तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म होगा। तो धार्मिक स्वरूप क्या है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आजादी देता है। और जहां तक आपने ज्ञानव्यापी मथुरा का सवाल पूछा, तो मैं बताना चाहता हूं ज्ञानव्यापी के केस में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 92 डेज के सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुकी है। 92 डेज के सर्वे में क्या क्या मिला ये मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कोर्ट गई, उन्होंने कहा रोक दीजिए इन लोगों को, ना बताएं क्या मिल रहा है। तो आप खुद ही समझ जाइए क्या क्या मिला है। पर जब ASI की रिपोर्ट 24 जनवरी को खुलेगी तो इस देश के लिए एक दूसरा ऐतिहासिक पल होने वाला है। वैसे तो और भी बहुत से क्वेश्चन थे बिफोर ओपनिंग फॉर क्वेश्चन विद द ऑडियंस,
I will have one rapid fire question with you. Okay? You are not prepared for that, I know. What is your favorite book? Because today is your day. Yeah. Wild Swans, Three Daughters of China. Favorite movie? Favorite movie? I don't watch. Favorite actor? Favorite. Don't have any. Okay. Favorite dish? I know this. Rice and rasam. I'm from Udupi. Favorite political personality? Atal Bihari Vajpayee. Okay. In one word, your feeling when you were targeted at Oxford? Great feeling. Not a great feeling, but resilient. Resilience. Very good. One thing that you want to change about yourself? Work harder. Oh, wow. You are working harder already. At such a young age, you've got such a good... One talent you wish you had? Shero Shairi. I can't okay. do that. One app you cannot live without? One lap. Google Maps. Okay. Biggest fear? Drowning. Though I am a state level swimmer. Who else other than a writer you want to be? The writer. Other than a writer. Interesting question. Very interesting question. I can't think of anything. I'm actually pretty blank. I think I'm doing what I love. So, if I ask the audience, they all will say that you should be PM, next PM. Oh. Okay. Best advice you have ever got. Best advice I ever got. Never give up. Okay, very good. And last, your favorite god? Ganesha. I'm a Ganesh. Thank you. So I now open for the... We'll take 3-4 questions because we are already running out of time. Check. Yeah, I want to ask the permission of the administration to ask 3 questions that I have written. One, please. There are a lot of people. Yeah. Okay. One question, please. So, what motivated you to go to Oxford University? It's a British university, but I don't think they respect us so much. Yeah, I think number one, I didn't know they didn't respect us much. The narrative glamorizes the place. And I think the only reason I went there is because they burned Takshashila. Otherwise, I would have gone to Takshashila University. Namaskar. Thank you, Vishnuji and your family. I wanted to ask about the work vote. What can be done about it? See, WAF Act 1995, it's a draconian law which has been passed by the same government in a gap of 4 years. And we have challenged the constitutional validity of WAF Act before various high courts. As of now, 200 petitions are pending, challenging the constitutional provisions of WAF Act. Notices have been issued, and the central government is also very strongly considering to make amendments in the WAF Act. A private member bill has also been brought in the parliament. So I think very soon we will see a lot of development so far as the draconian provisions of WAF Act are concerned. मेरा सवाल ये है कि जैसे मैम ने एक नैरेटिव दिया कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा तो शिकारी ही हमेशा ग्लोरीफाइड होगा तो हम अपनी जो इतिहास की जो बुक्स हैं उसको हम कब रीराइट करेंगे क्योंकि उसमें तो आपने जैसा जाना है कि बहुत सारा चीज़ जो है वो पता ही नहीं है लोगों को जैसे मार्कंडेय वर्मा के बारे में नहीं पता है जो शायद सारे मलयालीज या केरलाइट्स को पता होता है तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि कौन सी डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी है एनईपी तो कर रहा है एनईपी लगने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हर स्टेट जो है वो एनईपी को अपने थ्रू वो करेगा इंट्रोगेट करेगा देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी चीज़ हो रही है बहुत ही ऑर्गेनिक हो रही है आज मैंने प्रभा खैतान को नहीं बोला था कि ये बुक लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज करें इनको खुद से प्रेरणा हुई इनको लगा कि हाँ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोगों को मिलना चाहिए मंथन करना चाहिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया
आज रश्मि शावन जी को किसी ने नहीं बोला था कि आप राम मंदिर पर बुक लिखिए, इनको खुद से प्रेरणा हुई, इन्होंने बुक लिखी। आज आपको किसी ने नहीं बोला था, नियति थी कि आज हम और आप मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सिविलाइजेशनल बैटल है ये बहुत ही ऑर्गेनिक बैटल है। राम मंदिर के ऊपर जब ये बैटल शुरू हुआ और आज उस 30-40 साल के दौर में बहुत चीज़ें फ़र्क हुई हैं। आज लोग बोल रहे हैं, आज लोग लिख रहे हैं, आज लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं, लोग फिल्म्स बना रहे हैं। कभी हम लोग ने सोचा नहीं था कि फिल्म राइटर्स या फिल्म डायरेक्टर्स इसके ऊपर फिल्म्स बनाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत ऑर्गेनिक ये प्रोसेस चल रहा है और आप देखिएगा आगे आने वाले समय में ऑर्गेनिकली जितनी बातें आप कह रही हैं सब चीज़ें अपने आप ही फुलफिल होती चली जाएंगी ऑर्गेनिकली। विष्णु जी, एक यक्ष प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ऐसी क्या बात है कि 800 साल के गुलामी के बाद ये ख़त्म नहीं हुआ और हम बहुसंख्यक रहे जबकि इतने लोगों को मारा गया, लेकिन जहाँ जहाँ ये लोग गए उन्होंने वहाँ की सभ्यताओं को पूर्णतया नष्ट किया और अपना एक क्षत्र राज किया, वहाँ की सभ्यताएँ बची नहीं हैं। ऐसे क्या गुण हैं हमारे इस सनातन धर्म में? देखिए, हमेशा लोग ये बताते हैं कि सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ, उसके बाद हम लोग 1200 साल गुलाम रहे। पर अभी आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम रखा था, जो आसाम के एक क्रांतिकारी हैं जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ा था, उनका इतिहास लोगों को बताया था। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम 1200 साल सिर्फ गुलाम रहे, हमारे लोग लड़े हैं और जीते हैं, पर वो इतिहास हम लोगों को नहीं बताया गया। और मुझे लगता है मैं महाराष्ट्र की भूमि में बैठा हूँ, अगर इन लोगों को पहली बार किसी आदमी ने सही माध्यम से जवाब दिया है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने उनको सही मायने में जवाब दिया और हिंदू स्वराज की स्थापना की। तो हमेशा हर दौर में, चाहे अकबर का दौर हो तो राणा प्रताप आए, औरंगजेब का दौर हो तो शिवाजी आए, हमेशा हर दौर में हिंदू समाज के लोगों ने सर उठाया है, आँख से आँख मिला के बात की है। रानी पद्मिनी का भी जौहर हुआ है, उसके बाद भी लोग खड़े हुए हैं और उस बलिदान को उन्होंने माना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशन को कोई मिटा सकता है, हमें कोई मिटा ही नहीं सकता है। आप हम पे टाइम बींग के लिए हमें जुर्म ढा सकते हैं हमारे ऊपर, पर सनातन तो शाश्वत है, जिसका ना आने का पता है ना जाने का पता है उसको कोई मिटाएगा कैसे। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म की और हमारे यहाँ पे जो इस धरती पे जो भी धर्म आए उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ज्ञान पर आधारित है और विज्ञान पर आधारित है। ये ओनली माइथोलॉजी या उसको उस दृष्टि से ना देखें, और जो ज्ञान पे और विज्ञान पे आधारित हो उसको समाप्त करना, उसको ख़त्म करना कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़े दिनों के लिए दब सकता है और बैठ सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता उसको। विष्णु जी, रश्मि, यू नो बोथ ऑफ यू डिजर्व कंग्रेचुलेशंस, यू नो, फॉर डूइंग व्हाट यू हैव डन, फॉर ब्रिंगिंग बैक यू नो सो मच प्राइड एंड मे बी यू नो यूनाइटिंग द नेशन विद you know, the 22nd January finality. My question is a little futuristic. How do you see India changing after 22nd January, and where do you see Indians being looked at by the outside world over the next 3 to 5 years? See, I think the GDP, and if you will see the economic aspect of it, there will be a huge change in India's GDP and tourism sector after 22nd of January. And if you'll talk about Ayodhya, the kind of development which is happening in Ayodhya is beyond imagination. And I think in next 3-4 years, the world will look towards India as Vishwa Guru. और जो हम विश्व गुरु थे उसका मूल कारण ये था कि जो मैं एक बात यहाँ पे बहुत ही शालीनता से कहना चाहता हूँ, ये जो पूरी लड़ाई चल रही है मंदिर मुक्ति की, मंदिर को वापस लेने की, ये क्यों चल रही है, क्या कारण क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इतना ज़रूरी है कि इन सारी लिटिगेशंस को किया जाए। आज अगर आप ज्ञानव्यापी का इतिहास पढ़ेंगे तो ज्ञानव्यापी के इतिहास में सारे पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ज्ञानव्यापी का अस्तित्व था। इट वॉज नोन एज द मदर ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उस 5 ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विशेश्वर का ज्योतिर्लिंग है ज्ञानव्यापी का। ज्ञानव्यापी को कहते हैं कि जो जीवन मरण का ज्ञान है,
तो वो मुक्ति का मार्ग है जो तारक मंत्र है, वो वहां के कुएं का जल का आचमन करने से और स्वयंभू भगवान की पूजा करने से, उनके दर्शन करने से मिलता है। तो आज आपको क्या लगता है कि सोमनाथ मंदिर में आपने देखा होगा एक एरो बना हुआ है और ये लिखा है कि यहां से लेके साउथ पोल तक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। जब सैटेलाइट भी नहीं थी तो ये कैसे बता दिया, कैसे बता दिया जब अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स भी नहीं थी कि पेट में गर्भ में बच्चा ऐसे घूमता है, इसकी कितनी इमेजेस आपको कितने मंदिरों में मिलती होंगी। क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर जो हैं वो ज्ञान का केंद्र थे और हमेशा हम लोगों को ज्ञान अध्यात्म से आया है, और जो आध्यात्मिक केंद्र थे जैसे यहाँ पे रश्मि जी ने कहा उसको इसलिए तोड़ा गया, और जो यहाँ पे सर कह रहे थे कि हमारा सनातन धर्म जो है विज्ञान और ज्ञान पे आधारित है, तो उन्हें लगा इस अगर पूरी सिविलाइजेशन को आपको छिन्न भिन्न करना है तो इनके जो सेंटर्स ऑफ नॉलेज हैं उनको तोड़ दो, इसीलिए नालंदा ताक्षशिला को जलाया गया। और इसीलिए हम इन सारे जगहों को वापस पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, राम मंदिर भी, काशी भी, मथुरा भी, वो सारे मंदिर जब फिर से जीवंत होंगे और अपने प्रभुत्व में आएंगे तो आप देखेगा इस पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का भारत की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर है 64 योगनियों का मंदिर है। अगर आप आज का जो इस अभी का पार्लियामेंट नहीं, जो इससे पहले का पार्लियामेंट था, अगर आप उसकी संरचना देखेंगे और 64 योगनियों के मंदिर की संरचना देखेंगे तो वो सेम आर्किटेक्चर है। तो ये जितने मंदिर हैं ये दे आर सेंटर्स ऑफ एनर्जी। अगर आज आप कामाख्या मंदिर चले जाएं, आप आज ज्ञानव्यापी आप चले जाएं, आपको जो एनर्जी फील होगी वो अनपैरेलल है, अनमैच्ड। आप महाकाल चले जाएं, अनमैच्ड अनपैरेलल एनर्जी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज्ञानव्यापी का जो पूरा क्षेत्र है जहाँ से स्वयंभू लिंग की स्थापना हुई थी वहाँ से लेके 5 कोस तक, उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। और कितने महात्माओं ने, महर्षियों ने कहा है कि वहाँ पे आप अगर बैठ भी जाएं तो आपके अंदर सात्विक भाव ही आएंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो एक आध्यात्मिक उन्नति है उसकी आपको एक मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और मुझे लगता है जो हम विश्व गुरु बने थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे सेंटर्स ऑफ नॉलेज और लर्निंग जो हमारे मंदिर थे। प्रणाम सभी को। विष्णु जी, आपने कहा 22 जनवरी को अयोध्या में जो होने जा रहा है तो वो हम सबके लिए सिर्फ बेहद खुशी की बात ही नहीं, उससे हम धर्म की संस्थापना कहेंगे। तो धर्म तो पहले से ही स्थापित है, तो वो संस्थापना कैसे होगी? देखिए, भगवान कृष्ण ने उनको धर्म संस्थापना का देवता कहा जाता है। तो जब महाभारत हुई तो महाभारत के उस युद्ध के बाद जब जीत हुई पांडवों की कौरवों के ऊपर, तो उसके बाद वहाँ पे धर्म की संस्थापना हुई। आज इस घोर आपातकाल में जब सनातन समाज के ऊपर बराबर आघात हो रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वर्फ एक्ट, कितने हमारी जगहों को डिमोलिश किया गया, हमसे जो हमारा हक था छीना गया, आज उस दौर में जब 70 साल की लीगल बैटल चली और अगर 1528 से लेके 22 जनवरी 2023 का 2024 का दिन देखा जाए तो जो लीगल बैटल चली है उस पूरे समाज ने, इस पूरे सिविलाइजेशन ने अपने जो ईश्वर है, अपने आराध्य हैं, आपको पता है अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो लोग उस जगह पे मंदिर की चौखट पे पूजा करते रहे ये मानते हुए हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर हैं। भगवान राम जो तंबू में बराबर विराजमान रहे, आज उनका भव्य मंदिर बन के उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो क्या इसे धर्म की संस्थापना नहीं कहेंगे? क्योंकि भगवान, हम हमेशा राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य मतलब क्या? जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, जिसकी संकल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी। तो ये इसीलिए धर्म की संस्थापना है, क्योंकि अगर धर्म की आप डेफिनेशन देखेंगे डिक्शनरी में भी तो धर्म और रिलीजन अलग अलग है, अलग अलग है, सेपरेट वर्ड्स हैं, जिसकी स्वामी विवेकानंद ने भी चर्चा की थी शिकागो में। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये धर्म की संस्थापना है, कि यहां पे न्याय धर्म कि सबको जस्टिस मिले, किसी का अपीजमेंट ना हो, उसकी संस्थापना होने जा रही है। वो है पर उसकी पूर्ण संस्थापना होने जा रही है। एक लास्ट क्वेश्चन। हेलो, मैं पवन अग्रवाल बोल रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, अंग्रेज जब आए थे तो गुरुकुल को तोड़े थे जिससे कि वो क्रिश्चियन को फैलाए, तो उसके लिए हम गुरुकुल की स्थापना में कुछ ध्यान दे रहे हैं? गुरुकुल की जी, हमें तो सबको पता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी ये सबसे अच्छी थी। तक्षशिला और नालंदा के बावजूद भी बहुत सारे विश्वविद्यालय थे,
एंड उसे इसीलिए तोड़ा गया. लॉर्ड मकाउले ने अपने पार्लियामेंट में तो बोला है ना, मैंने भारत का भ्रमण किया, आई कांट फाइंड अ सिंगल बेगर और अ डेस्टिट्यूट. तो ऐसा था. टू ब्रेक हर वी हैव टू ब्रेक हर स्पाइन. द स्पाइन इज हर एजुकेशन सिस्टम. आई थिंक गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू टेक प्राइड इन योर रूट्स एंड यू लर्न दैट फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव. उसका होना तो ज़रूरी है एंड वो हो रहा है. आई थिंक विष्णु जी ने बोला है कि ऑर्गेनिकली हो रहा है एंड जितनी चीज़ें आगे बढ़ेंगी उतना मोमेंटम भी पकड़ जाएगा और वी विल सी चेंजेस मच फास्टर. अभी राम जन्मभूमि आंदोलन में 500 साल लग गए बट बाकी चीज़ों में मुझे लगता है कम कम समय लगता जाएगा जैसे हम वो मोमेंटम पकड़ लेंगे. आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. सो मेनी एक्सक्यूज मी लेट्स नॉट यूनिवर्सिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन टेक दिस क्वेश्चन. शैल जय श्री राम सभी को. विष्णु जी मेरा सवाल, मेरा नाम मेघना नेने. तो जीत हार में धैर्य और जीत में संयम, इस आधार पे आप हम जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपको याद होगा 2019 में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मैंने भी बाहर आके यही स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरे फैसले को किसी की जीत और हार से नहीं जोड़ना चाहिए. ये एक डेमोक्रेटिक माध्यम से सारी चीज़ें हुई हैं और आज भी हमारा ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ को जीत या हार के रूप से ले रहे हैं. एक हमारी वेल रिसर्च्ड डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो जितने भोजशाला हो, टीले वाली मस्जिद हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं जिसको हम कोर्ट के माध्यम से प्रूफ करेंगे और उसके बाद कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आएंगे वो हमें मान्य होगा. तो यहाँ पे जीत और हार की बात नहीं है. हम बस ये चाहते हैं कि जो एक अन्याय हुआ है एक पूरी सिविलाइजेशन के साथ, समाज के साथ, उसको सुना जाए, उसके बारे में बात की जाए और उसके बारे में बात करने को एक कम्युनल लेबल ना दिया जाए. कम से कम हमारी बात सुन ले कि हमारी रिसर्च क्या है, हमारे फैक्ट और फिगर क्या है. इसलिए बहुत धैर्यता के साथ, चाहे जितना इसमें समय लगे, हम उसको अगर मैं कर पाऊंगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन करेगी. पर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ें चलती रहेंगी. थैंक यू सो मच. मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, थोड़ा बचकाना है, बट ये क्वेश्चन हम बार बार फेस करते हैं. लाइक यू सेड कि दे गॉट विलिफाइड एंड दिस एंटायर थिंग इज स्टिल बीइंग विलिफाइड बाय द लिबरल्स एंड द लेफ्टिस्ट. हमको जब अगर कोई बोलता है आई वॉन्ट दैट यू गिव मी एन आंसर विच आई कैन गिव इट टू पीपल, अ शॉर्ट आंसर, अदरवाइज इतना कोई नोबडी वॉन्ट्स टू लिसन टू द एंटायर रिसर्चेज एंड एवरीथिंग. हमको अगर कोई बोलता है कि आप क्या नया कर रहे हैं, उन्होंने तोड़ के मस्जिद बनाया, आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, दैट लीव्स अस एट अ वेरी ऑकवर्ड प्लेस. दो वी हैव वी बिलीव वॉट वी आर डूइंग इज करेक्ट, बट इन अ शॉर्ट वे हाउ कैन वी शट देम अप, लाइक हाउ कैन वी प्रूव आवर पॉइंट, लाइक हाउ कैन वी रियली मेक दैट पॉइंट दैट दिस इज नॉट वॉट एग्जैक्टली दैट दे आर टू डिफरेंट थिंग्स विच. देखिए पहली बात यह है कि अगर आप कोई आदमी, जो मैंने भी इनसे काफ़ी डिबेट की है, तो मैं भी और बहुत से लोग आज तक इनको नहीं समझा पाए, तो आप भी जो है, मैं आपको जो भी बता दूंगा आप उनको जो भी बता देंगे वो कभी नहीं समझ पाएंगे. पर अगर शॉर्ट में बात बोल, जैसे अपन के बच्चों को भी बताना होता है शॉर्ट, ऊपर से देखते हैं अरे तोड़ा ही तोड़ा. अगर शॉर्ट में अगर बात करनी है तो उनसे ये पूछ लीजिएगा, ज्ञान व्यापी में जहाँ शिवलिंग है वहाँ वजू क्यों हो रहा है, और अगर उस वजू को रुकवाना कम्युनल है तो ठीक है हम ये काम करेंगे. आप हमारे शिवलिंग पे, हमारे आराध्य पे पैर धो रहे हैं, थूक रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, और वो बात अगर कम्युनल है तो हम बात करेंगे. पॉइंट ये है कि हमने यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं तोड़ी है. अगर मैं आपको अभी राम मंदिर की फोटोज दिखाऊं तो वो तथाकथित मंदिर परिसर था, 14 कसौटी के खंभे अंदर थे, वरा देवता की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्तियां सब अंदर थी. आपने उसको गलत ढंग से कब्जा किया. ये जितनी लड़ाई चल रही है आप उनको ये बताइएगा, ये सारी लड़ाई उस जगह पे चल रही है जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मंदिर है. थैंक यू. इट वॉज इंडीड अ वेरी वेरी एंगेजिंग सेशन. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट आर एहसास लेडी ऑफ नागपुर ज्योति कपूर टू काइंडली गिव द वोट ऑफ थैंक्स. ऑन बिहाफ ऑफ प्रभा केतन फाउंडेशन एंड मंथन, आई ज्योति कपूर with my co-SRS women, Monica Bhagwagar, Parveen Tuli, and Priyanka Kuthari, would like to congratulate Ms. Rashmi Samant on the successful launch of her book,
Ram Janmabhoomi, the inspiration for Hindu resurgence. The literary world is richer with your contribution, and we thank you for sharing your passion and talent with us. I look forward for diving into the pages of your book and experiencing the magic within. I want to express my sincere gratitude for the enlightening panel discussion on Ram Janmabhoomi, featuring Ms. Rashmi Samant, Sri Vishnu Shankar Jainji, and Sri Hemant Lodha sir. Your thoughtful insights and diverse perspectives added immense depth to the discourse, providing a richer understanding of the book and its significance. I truly appreciate the time and the effort each one of you invested in sharing your expertise and engaging in a meaningful conversation. The discussion not only deepened, contributing to a memorable event. I would like to express our deepest gratitude to Sri Cement for their valuable support. And last but not the least, a heartfelt gratitude for today's audience for joining us at the book launch and panel discussion event. Your presence added immense warmth and depth to the occasion. We appreciate your support and enthusiasm for literature. Looking forward for more enriching interactions in the future. Thank you, have a nice day, and God bless. Sari gaba, gaba ni ba gaba mari mari sani sadani.